फक, अरे यार ये गाड़ी गया, आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से नुकसान हो जाएगा, फूट भी जाएंगे वो पूरी। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। हेलो दोस्तों, मैंने जो मेल किया था ओला का जो सपोर्ट सेंटर है उनको जो मेल किया था उसकी कॉपी मैं वीडियो में मेरे वीडियो में डाल रहा हूँ। आपने स्कूटर रिजर्व किया है, घबराने की कोई बात नहीं है, क्या रीज़न है वो सामने आने दीजिए। ओला बहुत अच्छी कंपनी है। आपको मैं एक एग्जांपल देने वाला हूँ कि MG हेक्टर जो आपने नाम सुना होगा, फोर व्हीलर कार, उसकी 5-6 गाड़ियाँ में भी फायर हुआ था शुरू में, मगर उन्होंने रीज़न दिया था विथिन 1 डेज। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबको रिप्लेस दे दिया था जिसको भी ये प्रॉब्लम हुआ था, क्यों हुआ था वो भी उन्होंने प्रेस में रिलीज़ किया था कि क्या हुआ है। ऐसे भी ओला जो भावेश अग्रवाल है उनको सोचना चाहिए कि किसका स्कूटर है, उसका भी मैं नाम दे रहा हूँ वीडियो में, कहाँ का स्कूटर है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप उनसे मिलिए, क्या रीज़न है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप प्रेस कीजिए, आप सबको बोलिए कि ना ये रीज़न है, हमारा फॉल्ट है, कस्टमर का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, आप प्लीज़ 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 रिलीज़ कीजिए, क्योंकि यार 1.5 लाख खर्च करने के बाद जो मिडिल क्लास लोग हैं कि सोचेंगे कि भाई नहीं चलो पेट्रोल मेरी बच रही, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लूँगा, मेड इन इंडिया लूँगा, और उसमें भी ऐसा फायर हो तो उनको बहुत ही दुख होगा, रात को सो भी नहीं पाएंगे मेरे ख्याल से जिन लोगों ने लोन लेके भी ये स्कूटर बुक किया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ओला वालों को कि प्लीज़ आप प्रेस रिलीज़ कीजिए, क्या है क्या नहीं आप सबको बताइए विथिन 1 डेज, क्योंकि आपके इमेज का भी सवाल है, आपकी कंपनी का इमेज का भी सवाल है। और दोस्तों बैटरी वाले स्कूटर में सब कंपनी में प्रॉब्लम है हीटिंग का, ओला में एक सेफ्टी फीचर्स है कि जब हीटिंग होता है तो इको मोड में आ जाता है। अभी इसमें वीडियो में देख के तो लग रहा है कि बैटरी ब्लास्ट हुई है, मगर सच्चा रीज़न तो कंपनी वाले ही दे पाएंगे, जिसका जो ओनर है इनका वहीं दे पाएंगे। मैंने मेल किया है दोस्तों, सेम मेल आप कीजिए ओला स्कूटर को, पूछिए, क्योंकि 1-2 मेल से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे मेल जाएंगे तभी उनको रियलाइज़ होगा कि नहीं हमको बताना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये रीज़न, ये प्रॉब्लम सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, और ऐसा नहीं है, CNG व्हीकल्स में भी है, पेट्रोल में भी होता है, शॉर्ट सर्किट से भी होता है। ऐसा नहीं मान सकते कि नहीं बैटरी ब्लास्ट हो गया, ऐसा नहीं मान सकते, मगर वीडियो में ऐसा दिख रहा है, सच क्या है सामने आने दीजिए, फिर देखते हैं। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी देखते हैं। अभी समर शुरू हुआ है, हमारे यहाँ अहमदाबाद में 40-40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, सब लोग चलाते हैं ओला, मेरे तो बहुत पहचान वालों में ओला भी है, चलाते हैं लोग, कुछ नहीं होता, लोग 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर डेली अप डाउन करते हैं, कुछ नहीं होता। अभी प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं आने के वजह से ये हुआ है कि इनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि योर स्कूटर हीटिंग हो रहा है, क्या बग्स की वजह से हुआ है वो तो हम देखेंगे कि क्या रीज़न बताते वो लोग। अभी आप पैनिक मत होइए, अब बस खाली सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, मैं सब इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा ओला के बारे में,
और हमारे व्लॉग्स मैं करूँगा कुछ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। मगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो भी आपको मेरा वीडियो मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।